केबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में विधान परिषद सीट के लिए चंद्रशेखर बावनकुले के नामांकन में दिखा शक्ति प्रदर्शन। राजनीतिक पुनर्वसन के साथ बावनकुले पर फिर भाजपा का दाव। नागपुर में नगर सेवक छोटू भोयर का भाजपा को राम राम। छोटू भोयर ने लिया कांग्रेस में प्रवेश। और मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण की मांग। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा संविधान चौक पर प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। विधान परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंद्रशेखर बावनकुले को उम्मीदवारी दी गई है, जिनका उम्मीदवारी नामांकन सोमवार को संपन्न हुआ। इस दौरान भाजपा द्वारा शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया, जहां आकाशवाणी चौक से भव्य रैली निकालते हुए भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी उपस्थिति रही। विधान परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भारी जोश देखा जा रहा है। इसका नजारा सोमवार को आकाशवाणी चौक पर देखा जा सकता था। चंद्रशेखर बावनकुले को उम्मीदवारी मिलने के बाद बावनकुले नामांकन भरने आकाशवाणी चौक पहुंचे थे, जबकि उनके साथ विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी उपस्थिति अपने आप में एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर दर्शा रही थी। ज्ञात हो, भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में कामठी विधानसभा सीट से चंद्रशेखर बावनकुले को उम्मीदवारी नहीं दी थी, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में असंतोष निर्माण हो गया था। बावजूद इसके पार्टी का कार्य बावनकुले करते रहे और अब उनका राजनीतिक पुनर्वसन फिर भाजपा द्वारा किया गया। ऐसे में सोमवार को दिग्गजों के साथ पहुंचकर भाजपा ने एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को चुनौती दी है। नागपुर के लिए टिकट दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे सभी के नेता नितिन गडकरी जी, हमारे महाराष्ट्र के लोक नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा जी, महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे जो जवाबदारी मिली है विधान परिषद में काम करने की, महाराष्ट्र की समस्याएं, विदर्भ की समस्याएं, नागपुर की समस्याओं को महाराष्ट्र विधानमंडल में उठाने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से जो विश्वास पार्टी ने मुझे पर दिया है वो पूरा करूंगा और एक चुनाव हम जीतने वाले हैं। आम्हाला आनंद है की चंद्रशेखर बावनकुळे सारखा आमचा एक संस्कृत हा पुन्हा एकदा विधानमंडळामध्ये येतोय। त्यांनी मंत्री म्हणून अतिशय उत्तम काम केलं आणि एक जागरूक लोकप्रतिनिधी कसा असतो हे देखील त्यांनी दाखवून दिलं आणि गेल्या 2 वर्षांमध्ये पक्षाचे महामंत्री म्हणून अतिशय चांगलं काम हे चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केलं आणि मला असं वाटतं की आज त्या कामाची पावतीच त्यांना मिळालेली आहे आणि मला विश्वास आहे आमचे नेते माननीय नितिनजी गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक अभूतपूर्व विजय हा या ठिकाणी प्राप्त करू। आमचे ज्याप्रमाणे आपण विचारलं विनोदजी तावडे यांना राष्ट्रीय महामंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आलं हे अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। महाराष्ट्राकरता भाजपकरता अतिशय अभिमानाची बाब आहे, कारण मला असं वाटतं प्रमोदजी गोपीनाथजी याच्यानंतर पहिल्यांदाच महाराष्ट्राला राष्ट्रीय महामंत्री पदाचा एक मान मिळालेला आहे आणि त्यांना देखील मी मनापासून शुभेच्छा देतो। भाजपा नेता व नगरसेवक छोटू भोयर ने कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस के नागपुर शहर कार्यालय में उनका पार्टी में आने के लिए जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा नेता विशेषकर कट्टर आरएसएस के स्वयंसेवक नगरसेवक छोटू भोयर ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। नागपुर शहर कार्यालय में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान कांग्रेस के नेता व जिले के पालक मंत्री नितिन राउत, विधायक विकास ठाकरे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान छोटू भोयर का जोरदार स्वागत किया गया। खास बात तो ये है कि वे पार्टी में प्रवेश करते ही उन्हें कांग्रेस ने एक बड़ा मौका दिया है। स्थानिक स्वराज्य संस्था चुनाव में चंद्रशेखर बावनकुले के विरोध में वे नामांकन भरेंगे। 20 वर्षाचं राजकारण जर संपत नसेल, सगळे शिस्तबद्ध राहा। येणारा फरवरी महिना हा काँग्रेससाठी देशाला एक नवीन दिशा देणारा ठरेल आणि सर्व कार्यकर्त्यांच्या तोंडामध्ये एकच नारा असू द्या, अब की बार सो के पार। या शहरामध्ये काँग्रेस पक्षाचे 155 पैकी 100च्या वर नगरसेवक निवडून आल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, मी नाही म्हटलं। आम्ही म्हटलं तर माझ्यासकट सर्व लोक त्यात इन्व्हॉल्व झाले आणि या महानगरपालिकेमध्ये जोपर्यंत काँग्रेस पक्षाची सत्ता पुनर्जीवित होत नाही विकास भाऊ तुमची सत्ता जाऊन आता 15 वर्ष होऊन राहिले. विश्वासाने आणि इमानदारीने फक्त एकच गोष्ट सांगितली की माझा शेवटचा श्वास राहील तोपर्यंत तुम्ही काँग्रेस पक्षात बोलणार. कई बार ऐसा होता है कि जो आपको आश्चर्यचकित कर देता है. मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो भी उम्मीदवार देगा उस उम्मीदवार का यहाँ विजय अवश्य होगा या आपको पता चलेगा. बट अगर आप बाहर का कोई उम्मीदवार लाते अगर उम्मीदवार बनते हैं आपके यहाँ पे जैसे राजेंद्र भावुड़ा या ऐसे और भी कोई उम्मीदवार थे आपके पास तो उनकी पार्टी का क्यों नहीं? देखिए हम एक ऐसे पार्टी से संबंधित है जो पार्टी जो डिसीजन लेती है वो डिसीजन को हम मानते हैं और पार्टी जो भी डिसीजन लेगी वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से हम लोग उसको मानेंगे और जिसका भी नाम आएगा उसके लिए हम पुरजोर से काम करेंगे. हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी है. छोटू भोयर यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला आहे काय सांगाल? त्यांना तिकीट जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे काय सांगाल? छोटू भोयर या भाजपाच्या नेत्यांचा जो काँग्रेस प्रवेश आज झाला आणि आजच या जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले हे स्वायत्त संस्थेमध्ये ज्या निवडणुकीचे फॉर्म भरायला निघालेत अशा वेळेला मी या ठिकाणी एवढंच सांगेन की भारतीय जनता पक्षाच्या पराभवाची ही नांदी ठरणार आहे या निवडणुकीसाठी. थाने मुमरा पुलिस के 2 कार्रवाई में 16 लाख के एमडी मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपियों के पास से 210 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया. मुमरा पुलिस ने मुमरा बाईपास परिसर के 2 मादक पदार्थ विरोधी कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 210 ग्राम एमडी मादक पदार्थ बरामद किया. इस एमडी की बाजार में 16 लाख रुपए कीमत है ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक गीताराम शिवाले ने दी. 19 नवंबर को एनडीपीएस पथक के प्रभारी अधिकारी ने मुखबिर द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मुमरा बाईपास रोड पर ये कार्रवाई की. जेव्हापासून ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचा कारभार माननीय आमचे पोलीस आयुक्त जयजीत सिंग सर यांनी घेतला त्यावेळेस त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांची मीटिंग घेऊन आम्हाला काही सूचना केल्या होत्या की आपल्याला अवैध धंद्यावर कारवाई करायची आहे. त्याच अनुसरून आमचे जॉईंट सी पी मेकला साहेब ॲडिशनल सी पी कुंभारे साहेब आमचे झोन 1 DCP अंबुरे साहेब ECP व्यंकट आंधळे सिनियर PI चौरे साहेब स्वतः मी PI शेवाळे आणि कारवाई करण्यासाठी आम्ही ज्या मुंब्रा पोलीस स्टेशनमध्ये जे खास पथक तयार केले त्यांचे मुखिया आहेत PSI काळे आणि त्यांची टीम. 4 दिवसापूर्वी आम्हाला अशी गुप्त बातमी मिळाली होती की तिथं नशेचा कारभारासाठी काही लोक येत आहेत विक्रीसाठी येत आहेत. तर PSI काळे यांना ज्यावेळेस माहिती मिळाली की त्यांना एक नायजेरियन नागरिक त्याचं नाव आहे गुडविन इमानुएल इफेनजी वय 41 वर्ष त्याचा सध्याचा पत्ता आहे रूम नंबर 301 सेक्टर 3 नवी मुंबई. तर PSI काळे आणि त्यांच्या टीमनं त्याला नवी मुंबईतून ताब्यात घेतलं. ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचं कनेक्शन तो नायजेरियन नागरिक आहे त्याचं कनेक्शन कुठंतरी इथं मुंबऱ्यामध्ये होतं. मग त्याच अनुसरून मुंबऱ्यामधून अमृतनगर मुंब्रा इथं राहणारा नदीम महमूद खान उर्फ नदीम 14 यालासुद्धाही 2 दिवसापूर्वी PSI काळे आणि त्यांच्या टीमनं रात्री अगदी 1 किलोमीटर त्याचा पाठलाग करून तो का पळत होता तर त्याच्याकडं त्याच्या पोझिशनमध्ये त्याच्या ताब्यामध्ये मेफेड्रिन नावाचं ड्रग होतं. त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या चौकशीत त्याच्या अंगझडतीमध्ये 110 ग्रॅम मेफेड्रिन मिळून आलं आणि त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर माननीय न्यायालयापुढं हजर केलं. न्यायालयानं त्याला जवळ 27 तारखेपर्यंत ती पोलीस कस्टडी रिमांड दिली आहे. आता यामध्ये नायजेरियन नागरिक आहे तो भारतामध्ये कसा आला टुरिस्ट व्हिसा होता बिझनेस व्हिसा होता त्याबद्दलची चौकशी चालू आहे. त्याच्याकडे पासपोर्ट होता तो पासपोर्ट त्याची मुदत संपली त्याबद्दलची चौकशी करून तसा न्यायालयाला रिपोर्ट दिला जाईल. त्याचं जर उल्लंघन झालेलं असेल तर त्याप्रमाणे वेगळे त्याला सेक्शन्स लावून त्याची अजून कस्टडी मागितली जाईल. परस्पर तसा संबंध नाही वेगवेगळे 2 गुन्हे दाखल आहेत परंतु आपल्या मुंबऱ्यामध्ये जे काही नशेचा कारभाराची कारवाई चालली जाते किंवा विक्री केली जाते त्याबद्दल अंकुश ठेवण्यासाठी PSI काळे आणि यांची जी टीम आहे ती चांगली मेहनत घेते. मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा प्रदर्शन किया गया। वैसे तो वंचित द्वारा समूचे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किए गए, जहां 5% आरक्षण का प्रस्ताव जल्द से जल्द विधानसभा में पारित कर मांग पर अमल किया जाए, ऐसी आवाज इस दौरान बुलंद की गई। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय लोकशाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुस्लिम बांधवांना 5% आरक्षण मिळाले, बांधवांना 5% आरक्षण मिळाले, मुस्लिम आदिवासियों पर अन्याय नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारी मांगे ये है कि हमको 5% किसी भी हालत में हमको मोदी सरकार ने देने को होना, हम लोग आरक्षण देने को होना, हमारे बच्चों को स्कूल में शिक्षा का, ये तमाम चीज़ों का हमको नौकरी का आरक्षण मिलने को होना, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारी ये जन्मभूमि है, हमको यहाँ पे हर किस्म की सहूलत मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से नागपुर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में एट ए टाइम सभी जिला कलेक्टर पर और सभी मुख्य स्थानों पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सभी तालुका और जिला स्तरीय मुस्लिम समाज के समर्थन में ये मुस्लिम समाज को पूरे देश में महाराष्ट्र में 5% आरक्षण मिलना चाहिए और संवैधानिक तौर से मिलना चाहिए। इसके लिए आदरणीय बाड़ा साहब अम्बेडकर इन्होंने एक आदेश जारी किया और उसी संदर्भ में बाड़ा साहब अम्बेडकर ने एक मोहम्मद पैगंबर बिल तैयार किया है और उस बिल के माध्यम से हम महाराष्ट्र सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं। बाड़ा साहब अम्बेडकर ने एक संदेश दिया है कि मुस्लिम समाज को उसके संघों के अनुपात अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण नौकरियों के अंदर में और शिक्षा के अंदर में मुस्लिम समाज के सम्मान में ये आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जब पार्लियामेंट के अंदर में मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15% अपर का समाज को अगर 10% आरक्षण दे सकते हैं शिक्षा के अंदर में और नौकरी के अंदर में, तो क्यों ना मुस्लिम समाज को जो सही मायने में जो इस देश के अंदर में पिछड़ा है, आज भी हमारा मुस्लिम भाई मुस्लिम समाज ये 90% पूरे देश के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पिछड़ा है। उस समाज के लोगों को 5% आरक्षण ये नौकरी में और शिक्षा में मिलना चाहिए, ये मोहम्मद पैगम्बर बिल का प्रारूप है और सच्चर कमेटी भी यही रिपोर्ट कहती है कि इस आधार पर मुस्लिम समाज का अगर उनको अपलिफ्टमेंट करना है, मुस्लिम समाज को अगर सही मायने में सामाजिक न्याय अगर देना है तो मुस्लिम समाज के हक अधिकार के लिए मोहम्मद पैगंबर के लिए लागू होना चाहिए। और उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में एट ए टाइम सेम टाइम सभी जगह आंदोलन कर रही है और ये बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में पूरे महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन में सभी हमारे मुस्लिम भाई नागपुर के शिरकत किए हैं। जय भीम। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय कृति समिति द्वारा हड़ताल की गई। संगठन द्वारा विभिन्न मांगों का ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया गया। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक के शिक्षकेतर सेवक संघ द्वारा विभिन्न मांगों के लिए विश्वविद्यालय और प्रशासन को ज्ञापन देकर ठिय्या आंदोलन किया गया। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षकेतर सेवक संघ के अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा के नेतृत्व में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गयी। संयुक्त कृति समिति द्वारा विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के सामने हड़ताल पर बैठकर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इस हड़ताल में शिक्षकेतर सेवक संघ के अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा, ऑफिसर्स फोरम के अध्यक्ष कैलाश मून, विजय जामनकर, नरेंद्र राहाटे, प्रवीण कलम्बे, राजेश चकिनार पुवार, सुशील वैद्य, श्रीयाद अभ्यंकर, संजय वाते आदि शामिल हुए। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये जो विद्यापीठ ने ये एक दिन का हड़ताल जो कि राज्य स्तरीय महासंघ के द्वारा बुलाया गया है, महासंघ की कृति समिति ने इस लाक्षणिक हड़ताल का आयोजन किया है, जिसमें हमारा जो मुख्य जो 3 मांगनियाँ हैं जिसमें हमने रखा है कि पहला तो 7वां वेतन आयोग जो जिन लोगों को नहीं लगा है उनको लागू किया जाए। इसके अलावा 58 महीने की थक बाकी जिसको कि शासन ने नहीं देने के लिए कहा है, परंतु वह देना वाजिब है और वो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए देना जरूरी है, इसलिए वो दिया जाना चाहिए। साथ ही जो हमारा 5 दिन का सप्ताह होना चाहिए जैसे कि शासन में बाकी जगहों पर लागू हुआ है, इसका भी हमें मिलना जरूरी है। साथ ही जो आश्वासित प्रगति योजना शासन ने उसको गलत बता करके बंद किया है, उसको पुनर्जीवित करना तथा सातवें वेतन आयोग में उसको 10, 20, 30 जो यह टप्पा है उसमें लागू करना बहुत आवश्यक है, जिसके जरिए जो कर्मचारियों की प्रताड़ना हो रही है उससे वो उबर पाएँ और उनको उसका लाभ मिल सकें और उससे वो वंचित न रहें, जिससे आगे होने वाली समस्याओं से निदान मिल सके। इसके लिए 3 मुख्य मांगनियाँ हैं जो मिलनी चाहिए और इसके प्रति हम सभी समर्पित हैं और जब तक ये नहीं मिलता है तब तक हमारा यह कृति समिति, यह संगठन इसके प्रति हमेशा सतर्क रहेगा और इसमें होने वाली भविष्य की दीर्घकालीन योजनाओं में जो भी महासंघ घोषित करता है उसके लिए हम सब जारी रहेंगे और यहाँ पर जब जब समय समय पर हमको बुलाया जाएगा या हमें आदेश प्राप्त होगा, इसके आधार पर हड़ताल और सुनियोजित तरीके से शासन को अपनी मांग पहुँचाने का हम पूरा दृढ़ संकल्प किए हुए हैं। करिता आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू, एकत्रित राहू, संघटित राहू आणि शासन स्तरावरून जो लढा दिला जातोय कृती समितीमार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रातील महाविद्यालय सेवक संघ आणि विद्यापीठीय सेवक संघ आणि विविध मागासवर्गीय सेवक संघटना यांच्यामार्फत आम्ही सतत हा लढा सुरू ठेवू, जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत। लोकांना 7वा वेतन आयोग लागला नाही तो लागू करावा आणि आमची जी थकबाकी आहे जुनी ती आम्हाला मिळावी, 5 दिवसाचा आठवडा एवढ्या आणि आश्वासित प्रगती योजना जी 10, 20, 30 ती पुनर्जीवित करावी, बस एवढीच आमची मागणी। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, डिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बार बार खिड़की से बेडरूम में झांके जाने पर रिक्शा चालक की हत्या किए जाने का मामला कल्याण में सामने आया है। इस मामले में 24 घंटे में ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खिड़की से लोगों के बेडरूम में झांकना एक रिक्शा चालक को महंगा पड़ गया। कल्याण के उम्बरडे गाँव में हत्या प्रकरण में खड़कपाड़ा पुलिस ने सोपान पंजे नामक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने रिक्शा चालक अभिमान भंडारी की धारदार शस्त्र से हत्या कर दी। अभिमान रोज सुबह सोपान के भाभी के बेडरूम में खिड़की से झांक कर देखता था। बार बार समझाने के बावजूद भी रिक्शा चालक की हरकत बंद नहीं हुई, जिस कारण सोपान ने अभिमान की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 20/11/2021 रोजी मसोबा नगर उंबरडेगाव कल्याण या ठिकाणी एका इसमाचा अज्ञात व्यक्तीने चाकूने किंवा एका धारदार शस्त्राने भोसकून त्याला ठार केलेले होतं। सदर बाबतीची फिर्याद खडकपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 351/2021 भादवी कलम 302 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेली होती। सदरची घटना 20/11/2021 रोजी पहाटेच्या समयी झालेली होती। ह्याच्यामध्ये आमच्या इष्ट विभागाचे अपर पोलीस आयुक्त श्री दत्ता कराळे सर, त्याशिवाय पोलीस उपायुक्त श्री सचिन गुंजाळ सर, DCP सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही स्वतः, त्याशिवाय खडकपाडा पोलीस स्टेशनचे सिनियर PI पवार साहेब, तसेच आमच्या अँटी व्हेकल थेफ्ट स्क्वॉडचे प्रमुख हनुमंत ओवळकर व त्या सर्व स्क्वॉड, त्याशिवाय DB स्क्वॉड पोलीस स्टेशनचा DB स्क्वॉड त्याचे प्रमुख API गायकवाड त्यांचा DB स्क्वॉड, त्याशिवाय पोलीस निरीक्षक केंचे, PI प्रशासन, तसेच API यशवंतराव, तसेच PSI केदार या सर्व अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या त्याचा तपास केला। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 24 तासाच्या आत ह्याच्यामधील एक संशयित आरोपी सोपान वामन पंजे वय वर्ष 23 याला त्या ठिकाणी ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे सविस्तर चौकशी करून त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। ह्याच्यामधील फिर्याद श्री मुकुंद दत्तात्रय दत्तू भंडारी वय वर्ष 55 यांनी दिलेली होती। आणि याच्यातील जो मयत आहेत अभिमान दत्तू भंडारी हे त्या ठिकाणी मयत आहेत आणि याच्यामधील संशयित आरोपीला आम्ही 24 तासाच्या आत अटक करण्यात आलेली आहे। अमरावती में रजा अकादमी द्वारा किए गए दंगल के विरोध में भाजपा ने वर्धा में धरना आंदोलन किया। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संपूर्ण त्रिपुरा में हुए हिंसा का असर अमरावती जिले में देखने मिला। जिले में भी हिंसा की गई। खास समाज के घरों को और दुकानों को ही केंद्रित कर तोड़फोड़ कर जलाया गया। इसी हिंसा का निषेध करने के लिए भाजपा ने वर्धा के महात्मा गांधी पुतले के पास आंदोलन किया। अमरावती शहर में 12 नवंबर को अल्पसंख्यक के मोर्चे को अनुमति नहीं थी, फिर भी हजारों की संख्या में मोर्चा निकाला गया और तोड़फोड़ कर हिंसा की गई। जानबूझकर हिंदुओं की दुकानों को लक्ष्य किया गया, ऐसा आरोप डॉक्टर रामदास आंबटकर ने लगाया है। या ठिकाणी दंगा घडवला जात आहे, त्याचाच परिणाम म्हणून जो नुकताच 12 तारखेला या ठिकाणी अमरावती सारख्या ठिकाणी एका संघटनेला हाताशी घेऊन जी संघटना देशद्रोही कृत्य करते आहे, विघटनवादी संघटना आहे, देशावर प्रेम न करणारी संघटना आहे, या देशातील अन्न खाऊन परिपूर्ण असलेली ही संघटना केवळ शासनाच्या इशाऱ्यावर ही चालते आहे। ही संघटना, या संघटनेवर निश्चितपणाने गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, जेणेकरून हिंदूचं संरक्षण जर करायचं असेल तर ही जे देशद्रोही संघटना आहे, हे देशद्रोही संघटना हे जे तुमचं पोचलेलं बहुल आहे, हे पोचलेलं रजा अकादमी नावाची जे संघटना आहे, ज्याला तुम्ही पाणी देता पिण्याकरिता, ज्यांना अन्न देता खाण्याकरिता, आणि ते फुपावलेली संघटना आहे आणि सदैव हिंदूंचं रक्षण न करता हिंदूंना बदनाम करण्याचं काम करते आहे। आज अमरावतीसारख्या ठिकाणी हिंदूंच्या घरावर, हिंदूंच्या दुकानाची तोडफोड केली आहे आणि अशा अवस्थेमध्ये हिंदूंचं वैरत्व स्वीकारलेली ही संघटना, या संघटनेला तात्काळ बंदिस्त केलं पाहिजे अशी या संघटनेच्या माध्यमातून, भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून मी विनंती करतो आहे। धन्यवाद। आज वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय जनता पार्टी वर्धा जिल्ह्याच्या वतीनं अमरावती मालेगाव या ठिकाणी हिंदूंवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ धरणे आंदोलन या ठिकाणी आम्ही करतो। या महाराष्ट्रात असणारं हे आघाडी बिघाडी सरकार या महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणसाची आणि विशेषतः हिंदू समाजाची सुरक्षा करू शकत नाही, हे अमरावतीच्या घटनेने सिद्ध झालं आहे। एक रजा अकादमी सारखी संघटना कुठलेही पूर्व सूचना न देता 30,000च्या मॉपनी बाहेर येते आणि नेमून टिपून हिंदूंच्या प्रतिष्ठानं, दुकानं याच्यावर हमला करते, प्राणघातक हमला करते। ज्या मोर्चामध्ये तलवारी असतात, ज्या मोर्चामध्ये घातक शस्त्र असतात, आणि तरीही या आघाडी सरकारच्या पोलीस यंत्रणेत, यांची जी इंटेलिजन्स ब्युरो आहे, यांची जी गुप्तचर यंत्रणा आहे, यांना या संदर्भात माहिती नसते। म्हणजे हे सरकार दूधखेळं सरकार आहे का, की या रजा अकादमीच्या मागे सरकार हिंदूंवर अन्याय करते आहे का, हे अमरावतीच्या घटनेवरून दिसते आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अमरावतीत घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ सर्व ठिकाणी असा निषेध व्यक्त करणाऱ्या सभा भारतीय जनता पार्टीने आयोजित केलेल्या आहे। महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण राजनीतीचं जे दहशतवादीकरण चाललेलं आहे आणि दहशतवाद्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार चाललेला आहे, यातली एक घटना 15 तारखेला अमरावतीत घडली। मोठ्या प्रमाणावर समाजातले लोक एकत्र आले। एकत्र येऊन काही समाजकंटकांनी, विशेषतः मुस्लिम धर्मातली मोठी मंडळी ज्या रजा अकादमीचं जे नाव सांगतात, असे सर्व लोक एकत्र आले। मोठा 25-30 हजाराचा मोर्चा काढून निवेदन दिलं, परंतु हिंदूंचे दुकानं जाळली, याला काय म्हणावं? खरं म्हणजे परवा माननीय मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस प्रत्यक्ष जाऊन आले अमरावतीत आणि सर्व लोकांना शांततेचा संदेश दिला आणि सर्वांना सावध राहण्याचं सुद्धा त्यांनी सर्वांना आवाहन केलं। ह्या घटना नव्हे, केवळ ही घडलेली सहज घटना नाही, तर हा एक प्रयोग आहे असं आपल्याला सहज सांगता येईल। एकाच वेळी नांदेड, मालेगाव, अमरावती एका ठिकाणी अशा प्रकारच्या दंगली उसळवायच्या आणि हे काँग्रेसचं राजकारण आहे। वर्धा के झांसी रानी परिसर में झलकारी सेना द्वारा क्रांतिकारी झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित थे। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था। झलकारी बाई ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला शाखा दुर्गादल की सेनापति थी। उनके जयंती के उपलक्ष्य में झांसी रानी पुतला परिसर में झलकारी सेना द्वारा क्रांतिकारी झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। झलकारी बाई का इतिहास सामने आना चाहिए, इसलिए झलकारी सेना की स्थापना की गई। आज आम्ही झलकारी बाईची जयंती साजरी करतोय। वर्धा जिल्ह्यामध्ये या हा इतिहास वीरांगणा त्याचमुळे आम्ही झलकारी बाईचा इतिहास पुढे यावा व लोकांना माहिती मिळावी की झलकारी बाई कोण आहे, त्याच्यामुळे आम्ही झलकारी सेनेची स्थापना केली आणि वर्ध्यातून 2017 मध्ये 22 नोव्हेंबर 2017 पासून झलकारी सेना ही झलकारी बाईची जयंती 5 वर्षापासून सतत साजरी करत आहे आणि यापुढेही सुद्धा आम्ही झलकारी बाईचा इतिहास कानाकोपऱ्यामध्ये आम्ही रुजवणार आहोत आणि खरा इतिहास आम्ही लोकांना सांगणार आहोत की ज्यांनी खरंच आपल्या देशासाठी आहुती दिली ते त्यांना त्यांचं श्रेय भेटलं पाहिजे। जयंती साजरी करतोय। केंद्र सरकार देश के युवाओं को ड्रग्स के नशे का आदी बनाने का काम कर रही है, ये कहना है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले का। वे कल्याण में बोल रहे थे। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का आश्वासन दिया, लेकिन नौकरी तो दूर की बात रही। जिनके पास नौकरी थी उन्हें भी घर भेज दिया गया। केंद्र सरकार ने समुद्र के पोर्ट निजी कर उन्हें भी अपने दोस्तों को देकर पोर्ट के माध्यम से बड़े पैमाने पर ड्रग्स लाया जा रहा है। गुजरात के पोर्ट पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिला। ऐसी कई घटना सामने आई हैं। केंद्र सरकार देश के युवाओं को ड्रग्स का आदी बना रही है, ऐसा आरोप नाना पटोले ने भाजपा सरकार पर किया। साथ ही कहा कि एमपीएससी के लिए 2.5 लाख विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। बीते 6-7 सालों में बेरोजगारी बढ़ने से युवा मौके की तलाश में है। सरकार ने रिक्त पद जल्द से जल्द भरना चाहिए। बघा, केंद्र सरकार ने ज्या पद्धतीने 2 कोटी युवकांना नोकऱ्या देऊ दरवर्षी 2014 मध्ये नरेंद्र मोदीजींनी आणि बीजेपीने आश्वासन दिलेले होते, त्याच्यानंतर त्यांनी 2 कोटी युवकांना काही जे लोक नोकरीला लागले होते त्या पोरांना घरी पाठवायची व्यवस्था केली। भारत देश हा युवकांचा देश आहे। मोठ्या प्रमाणात मुलं मुली शिकलेले होते, पण त्यांना नोकरी न देता हे जे सगळे समुद्रातले पोर्ट हे खाजगी करून आपल्या मित्रांना देऊन त्यांच्या पोर्टच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स आणल्या गेलेत। मुंद्रा पोर्टवर 21,000 कोटीचं ड्रग त्या ठिकाणी मिळालं, हे सत्य आहे। त्याच्या पहिलेही अनेक असे आलेले आहेत, आल्या असताना ते कुठं गेलेत, ते कुठं खर्च केले गेलेत, काय झालं याचा अर्थ ठरवून या देशातल्या तरुणांना केंद्रातलं सरकार ड्रगमध्ये झोकून घेण्याचा प्रयत्न करते आहे आणि हे सत्य आहे। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।